तो गाइस देख सकते हैं जो इस तरह का जो क्राउन गियर बॉक्स है मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है। देखिए तो इसमें अगर खराबी आ जाए तो जो हमारे डबल गियर होती है अंदर में तो ये खोलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप इस तरह की जो क्राउन गियर बॉक्स में डबल गियर नहीं चेंज किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि देखिए इस गियर बॉक्स में कुछ अलग सा ही प्रॉब्लम है। हमने बहुत ही मुश्किल से ये प्रॉब्लम पकड़ा है। तो क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ, उसका बाद आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो हमारा डबल गियर खराब है क्या पिनियम खराब है। ओके गाइस, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसका साउंड सुना देता हूँ। ओके तो इधर पे देख सकते हैं आप, तो इसमें हल्का हल्का करके साउंड आ रहे हैं। ओके तो जब भी हमारा रिक्शा चलती है ज़्यादा मात्रा में साउंड आते हैं इस तरह से किट 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 करके, और भी घर घर भी शब्द आ रही है। तो आप शायद तो साउंड देखा है, तो इस तरीके से साउंड अगर आती है तो देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला पिनियम आती है तो इस पिनियम में कहीं भी किसी भी तरह का चोट खर्च का निशान नहीं है। तो हमारा डबल गियर को चेक करना पड़ेगा। डबल गियर को चेक करने से पहले जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो देखिए आप वीडियो के अंत तक देखते रहे, क्योंकि इस तरह की जो हमारा क्राउन गियर बॉक्स में पिनियम होती है तो इस पिनियम को कैसे ओपन करना है। ओके अगर देखिए इसमें दो साइड में दो ऑयल सील लगा होते हैं, रबर का ऑयल सील, ये अगर किसी भी तरह से खराच हो जाती है, इसमें खराबी आ जाती है, साइड पे लीक होती है, आपका ऑयल ज़्यादा मात्रा में इधर में गिरेगा। ओके ऑयल के गिरेगा फिर से दो चार दिन बाद आपका पिनियम टूटने के ज़्यादातर चांसेस है। तो हम बस इस पिनियम को ओपन करते हैं। तो इधर पर आपको 6 नंबर के नट मिल जाएगा 4, तो हम इसमें खोल लेते हैं सबसे पहले इस गियर बॉक्स को, और हम अच्छी तरह से समझेंगे साउंड कहाँ से आ रहे हैं। ओके तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए इस तरह का जो क्राउन गियर बॉक्स आती है बहुत ही मात्रा में कम है मार्केट में। ओके तो सबसे पहले मैं 2 खोल ले और 2 बाकी है। देखिए हमारा 2 साइड का जो हमारा बियरिंग का कवर होती है, जो हमारा 6000 बियरिंग होती है, तो इस बियरिंग का कवर मैंने निकाल दिया 6000। तो इधर पे देखते हैं हम सबसे पहले इधर पे पिनियम को घुमा कर देखेंगे। देखने से पहले आपको एक चीज़ से ध्यान से देखना है कौन सा चीज़। इधर पे देखिए दांत जो होती है हमारा पिनियम का, तो इस पे देखिए आप अच्छी तरह से कहीं कोई टूटा टूटा कुछ भी कोई खर्च का निशान है क्या। तो गाइस देखिए इधर पे कुछ भी खर्च का निशान नहीं है। ओके तो हम इसको बाहर पे करते हैं, हम ऐसे ही घुमाते हैं साउंड को चेक करने के लिए। ओके देखा हमारा बियरिंग भी सही सलामत है, एक साइड का बियरिंग, हम दूसरा बियरिंग को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा नॉर्मल है साउंड, इसमें किसी भी तरह का साउंड नहीं आ रहा है बस। ओके तो हम चेक करते हैं ये जो हमारा डबल गियर होती है, इसको हम अच्छी तरह से एक बार कपड़ा से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे ये टूटा है कि टूटा नहीं है। ओके तो सबसे पहले इधर पर देखियो, जिधर पे आप अच्छी तरह से देखिए टूटा है कि टूटा नहीं। ओके इसमें कहीं खर्च है क्या, छोटा फोटा टूटा कुछ भी अगर इसमें दिखे तो आपको समझ लेना डबल गियर ख़राब है। ओके तो ये देखिए हमारा इसमें कहीं भी किसी भी तरह का खर्च नहीं है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले और जो हमारा पिनियम सेटिंग था उसी सेटिंग से हम और एक बार सेटिंग करेंगे और हम घुमा कर देखेंगे। ओके इधर पर हमने 2 पिनियम डाल दिया बियरिंग, डालने के बाद इधर पे हम बैठा देंगे। ओके तो हमें ठीक से बैठा नहीं है, साउंड आ रही है। तो हम घुमा कर देखते हैं फिर से एक बार साउंड आती कि नहीं। देखिए फिर से किट 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 साउंड आ रही है। जब भी हमारी रिक्शा चलती है तो हल्का सा होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। ओके ओके तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम पिनियम को साइड पे रखेंगे और दूसरा पिनियम इधर पे डालकर देखेंगे हमारा वही सेम साउंड आ रहेगी नहीं। ओके इधर पे हम दूसरा एक देखिए नया पिनियम ले लिया, इसको तो चाहे आप गुच्छा भी बोल सकते हैं पिनियम भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं। तो हम इसमें एक बार चेक करेंगे साउंड आ रही कि नहीं। इसमें भी सेम साउंड आ रही है, थोड़ा सा हल्का हल्का सेम साउंड आ रही है। ओके तो गाइस हम क्या करेंगे सबसे पहले
और एक बार को चेक कर लेंगे इसको उल्टा करके, हमारा साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं। ओके गाइस, देखे इधर पे काफ़ी साउंड आ रही है, काफ़ी साउंड नहीं आ रही। ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उल्टा सीधा करके हम दो चार बार देख लेंगे सेम वही केस आ रहा है कि नहीं। ओके देखिए अभी साउंड आ रहा है हल्का सा, थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर पहले मैं घुमा रहा था, ज़्यादा मात्रा में साउंड आ रहा है, जो हमने स्पिनियम में साउंड आ रहे हैं वही साउंड। ओके तो हम सबसे पहले डबल गियर को खोल लेते हैं। डबल गियर को खोलने से पहले देखिए आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है कि देखिए ये जो वाला रबर होती है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके तो बस इधर पे हम खोलते हैं, हल्का से खोलेंगे इसको, तो इसको हल्का हल्का करके हम इसको उठाएंगे, तो देखिए हमारा खुद भी खुद जो हमारा ऑयल से रबर है ये उठ गया। ओके तो हम देखते हैं इसमें खर्च आया कि नहीं। ओके तो इसको क्लीन कर लेता हूं अच्छी तरह से मैं। तो ये देखिए आप चाहे तो ऑयल सील भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ऑयल ही गार्ड करता है ये। तो इधर पे देखिए आप किसी भी तरह का कोई भी खर्च का निशान नहीं है। ओके ये अगर ख़राब हो जाती है तो आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा, एक पूरा काउंट बर्बाद हो जाएगा। ओके तो आपको इसको ध्यान से खोलना है, बस ये खोल लिया हमने हम, उसका बाद हम इधर पर देखने को मिलेगा आपको एक लॉक, तो ये देख सकते एक लॉक है, तो इसको भी आपको ओपन करना है। तो आप चाहे तो इस तरह का प्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा प्लास है कुछ खास नहीं है ये प्लास, तो हम इसको लेवर और जो इसका मदद से हम खोलते हैं इसको लॉक को। ओके तो इधर पे हमने देखिए आधा से ज़्यादा निकाल दिया, बस इसको थोड़ा थोड़ा करके उठाना है ऊपर की तरफ। ओके ये देखिए हमारा खुद भी खुद निकल गया, बस हम दूसरा साइड को भी निकालेंगे। तो निकालने से पहले आपको इसको कैसे खोलना है बस आप देखिए। तो गाइस देखिए हमने इसको खोल लिया, बस इसको अच्छी तरह से इसको धीरे से बिठाना है और इस पर आपको छेनी से थोड़ा थोड़ा का घाव देना है। ओके ये बियरिंग हमारा इस साइड से निकल जाएगा। ये देखिए हमारा बियरिंग निकल चुका है इस साइड का। ओके हम फिर से हम एक बार देखेंगे डबल गियर निकलते कि नहीं। ओके देखिए हमारा डबल गियर फिर भी नहीं निकल रही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको दूसरा साइड का जो ऑयल सील है उसको भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है तो हम ओपन करते हैं, तो हम देखिए इस रबर को खोलेंगे, तो हम इस साइड से एक बार कोशिश करेंगे निकालने की। तो इधर पे देखिए हम छोटा पतला सा कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और इधर से हल्का सा ठोकेंगे। ओके ये देखिए हमारा कितना ओपन हो गया, बस इस साइड से आपको धीरे से पकड़ना है। ओके तो ये देखिए हमारा पकड़ लिया, हम स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेते हैं एक बार। निकालने के बाद ये देखिए हमारा रबर ओपन हो गया, इसमें देखिए कहीं भी किसी भी तरह का खर्च नहीं है। ओके ये अगर ये साइड अगर ख़राब हो जाती है तो आपका ऑयल नहीं टिकेगा, तो हम इस रबर को भी साइड पर रखते हैं। रखने के बाद सेम प्रोसेस जो हमने किया था पहले वही हम करेंगे, इस लॉक को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने लॉक ओपन कर लिया, उसके बाद हम बियरिंग को निकालेंगे। क्या सेम सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे, इधर से थोड़ा थोड़ा करके ठोकेंगे हम। तो ये देखिए हमने बियरिंग थोड़ा सा निकाल दिया, निकालने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से क्लीन करके देखेंगे, इसमें देखिए कहीं चटा वटा कुछ भी है कि खर्च है इसमें। खर्च हो तो कोई बात नहीं, खर्च ना हो तो हमको देखना पड़ेगा फिर से एक बार इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इधर पर देख सकते आप, इसमें कहीं भी खर्च नहीं है, तो आपको क्या करना है बस देखिए इसको चेंज करना है। ये कहीं ख़राब है, छोटा सा घिस गया, एक दो दांत से ज़्यादा घिस गया, इसलिए इस तरह से साउंड आ रही है। ओके तो हम इसको साइड पर रखते हैं। रखने के बाद ये जो हमारा गियर बॉक्स है पूरी अच्छी तरह से आपको वॉश करना है। ये जो देखिए आप ऑयल सील है इसको भी आपको निकाल लेना है, चाहे तो आप किसी भी तरह का इसके इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं रेंज की मदद से इसको निकाल लेता हूँ। ओके निकालने के बाद तो इसमें देखिए जो धूल मिट्टी है और कार्बन जमा हुआ मोबिल के कार्बन, तो इसको अच्छी तरह से आपको क्लीन करना है और इस बियरिंग को भी आपको निकाल देना है। ओके निकाल दिया, बस इसको क्लीन करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे।